हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो हम पढ़ने वाले हैं, ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, फाइंड द फर्स्ट टू अप्रोक्सीमेशन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ फर्दुलम इंटीग्रल क्वेश्चन। फर्दुलम इंटीग्रल क्वेश्चन जो है वो है यू एक्स बराबर 1 + 0 to 1 के एक्स जाई यू जाई डी जाई, जहाँ पे के एक्स जाई जो है वो एक्स, अगर एक्स की वैल्यू जो है 0 < x < ζ, ζ अगर ζ < x > 1। लेट यू जीरो एक्स इक्वल टू वन, हमने सपोज कर लिया कि यू जीरो एक्स बराबर जो है वो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन जो है वो 1 है, मतलब 0th अप्रोक्सीमेशन जो है 1 है। देन फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन इज गिवन बाई यू जीरो एक्स बराबर 1 ले लिया, तो हमने यहाँ पे यू वन एक्स बराबर जहाँ पे यू जाई था वहाँ पे हमें 1 पुट कर देना है, तो 1 + 0 to 1 के एक्स जाई यू जीरो जाई। तो ये तो हमारे पास यू जीरो जाई की वैल्यू तो 1 हो जाएगी। अब हमें इसको लिमिट को दो पार्ट में डिवाइड करना है, यानी लिमिट को हम 0 to x एंड x to 1। अब यहाँ पे हम देखते हैं x की वैल्यू जब यहाँ पे कम है, x की वैल्यू जो है वो 0 से और x के बीच में, यानी कि ये वाली वैल्यू 0 से x की वैल्यू जब ढाई की वैल्यू, तो ये आ जाएगी हमारे पास यहाँ पे ढाई, यहाँ पे आ जाएगा ढाई। और यहाँ पे जब x की वैल्यू ग्रेटर देन ढाई है तो उस कंडीशन हमारे पास ये आ जाएगा एक्स, तो ये आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास के एक्स ढाई एंड के एक्स ढाई, और ये आ गया ढाई डी ढाई क्योंकि यहाँ पे, और ये एक्स डी ढाई, तो ये हो गए 1 + x² / 2 + x.1 - x, जो कि 1 + x - x² / 2। तो फ्रेंड्स, बेसिकली हमें हमेशा याद रखना है जब हम लिमिट को ऐसे डिवाइड करते हैं, जो नीचे लिमिट दी हुई होती है उसको 0 to x के बीच में, और जो ऊपर लिमिट दी हुई होती है उसको x to 1 के लिए अप्लाई करते हैं। तो ये हमारे पास आ गया u1x, यानी फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन आ गया। अब सेकंड अप्रोक्सीमेशन निकालते हैं u2x, तो u2x आ गया 1 + 0 to 1 के एक्स जाई यू वन जाई डी जाई। अब यू वन जाई की वैल्यू पुट करेंगे तो यू वन जाई की वैल्यू हो जाएगी 1 0 to 1 के एक्स जाई, और यू वन जाई जो है 1 + ζ + ζ² - ζ² / 2, जो कि यहाँ पे आई थी है, यहाँ से अब डी जाई। तो सिंपली जैसे यहाँ पे अप्लाई किया था 0 to x के लिए ζ और x to 1 के लिए x, तो ये हो गया हमारे पास। अब चूंकि ये जो फंक्शन है वो एक्स तो एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट करेगा तो बाहर आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन इसका डी जाई के करस्पॉन्डिंग करना है, इसका भी डी जाई के करस्पॉन्डिंग, तो इंटीग्रेशन करके और जो लिमिट अप्लाई करेंगे तो लिमिट अप्लाई करने पर आ जाएगा 1 + 4/3x - x²/2 - x³/6 + x²/4/24। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से हम u3x u4x इस तरह से हम सारे x निकाल सकते हैं। अब फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में नहीं, इसी वीडियो में देख लेते हैं हम रिसॉल्वेंट कर्नल फॉर फर्दोलम इंटीग्रल इक्वेशन। कंसीडर द फर्दोलम इंटीग्रल इक्वेशन जो है वो इस तरह से यू एक्स बराबर एफ एक्स प्लस लैम्डा ए टू एक्स के एक्स जाई यू जाई डी जाई। द इटरेटेड कर्नल आर डिफाइंड बाई, जो इटरेटेड कर्नल है उसको इस तरह से डिफाइन कर दिया, के वन एक्स जाई बराबर के एक्स जाई एंड के एन प्लस वन एक्स जाई बराबर ए टू बी के एक्स टी के एन टी जाई, जो कि हमने वॉलेटर इंटीग्रल इक्वेशन में इसका ब्रीफ सॉल्यूशन भी पढ़ा था। एंड द सॉल्यूशन ऑफ वन इज गिवन बाई यू एक्स वाई बराबर एफ एक्स प्लस लेमडा ए टू बी आर एक्स जाई डी जाई एफ जाई डी जाई, वेयर आर एक्स जाई जो है वो है के वन प्लस लेमडा के टू प्लस लेमडा स्क्वायर के थ्री प्लस डॉट डॉट इन्फिनिटी, या इक्वल टू एन बराबर 1 to ∞ लेमडा टू पावर n - 1 के एन एक्स जाई। ये टर्म जो है वो कहलाती है रिसॉल्वेंट कर्नल, जो इसकी वैल्यू होती है वो कहलाती है रिसॉल्वेंट कर्नल, और जो ये सीरीज होती है, ये सीरीज जो कहलाती है वो कहलाती है न्यूमैन सीरीज। तो ये याद रखना है, ये सीरीज जो है वो न्यूमैन सीरीज कहलाती है, और जो इसकी वैल्यू आती है वो कहलाती है रिसॉल्वेंट कर्नल। नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स हम एक एग्जांपल लेंगे जिसको हम सॉल्व करेंगे, ऑब्टेन द इस एग्जांपल को सॉल्व करेंगे, ऑब्टेन द रिसॉल्वेंट कर्नल एसोसिएटेड विद द कर्नल kxi बराबर 1 - 3xi इन द इंटरवल 0 1 एंड सॉल्व द इंटीग्रल इक्वेशन ux बराबर ये। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे।